ਜੀ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਵੇ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਬੇਕੀਆ ਜਾਏ, ਅਨੇਕ ਜੂਨੀ ਪਰਮ ਆਵੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਸਾਰ ਮੇ ਹਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਾ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਕਾ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਕਾ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਲਾਚਾਰ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਨਕੋ ਕੁਛ ਸਮਝਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ, ਇੱਕ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ ਸਮਝਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਉਸੇ ਕੁਛ ਸਮਝਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਵ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸਮਝਤਾ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਤੇਰਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਭੈਰਵ ਰਾਗ ਮੇਂ ਜਾਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਰਾਗ ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਬ ਤੇ ਚਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਰਹਾਉ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਪਤ ਹੋਈ, ਮਾਟੀ ਏਕ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ, ਬਹੁਵਿਧ ਪਾਂਡੇ ਕਰੇ ਕੁਮਿਆਰਾ, ਪੰਚ ਤੱਤ ਮਿਲ
देही का आकारा कटवध को करे बिचारा। कहत नानक इहो जीव कर्म बंद होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई। गुरु नानक देव जी इस वाणी के द्वारा हमें ये समझाते हैं कि हे मनुख, तू अपनी जात का गर्व मत कर, क्योंकि संसार में तुझे प्रभु ने भेजा है। और कहते हैं जैसे मनुख के कर्म होते हैं उसी अनुसार उसे जीवन मिलता है। जिस प्रकार हम संसार में देखते हैं, कोई मनुख विदेशों में पैदा हुए, कोई मनुख हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में भी कई स्टेट्स हैं, कई भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं, कई जात हैं। मनुख के कर्मों के अनुसार मनुख संसार में आता है, अपना जीवन भोगता है और इस संसार से चला जाता है। तो हे मनुख, तू अपनी जात का गर्व क्यों करता है? जो व्यक्ति संसार में रहकर जातपात को मानता है, अपनी जात का गर्व करता है, उसे गुरु नानक देव जी ने मूर्ख कहा है। और गुरु साहिब जी कहते हैं कि इस गर्व से बहुत विकार चलते हैं। ये चार वर्ण होते हैं, जातपात होती है, उसको प्रभु एक समान समझते हैं। प्रभु के लिए तो कोई जातपात नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर और गरीब नहीं। वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं और दूसरों को नीचा। ये जो शरीर है वो माटी में एक दिन मिल जाने वाला है, तो मनुख तू क्यों जात का गर्व करता है? पांचों विकारों में मनुख जीता है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि उसके कर्मों के अनुसार मनुख का उद्धार होगा और प्रभु को मिलने के बगैर इंसान की मुक्ति नहीं है। इसी प्रकार हमें से सीख मिलती है कि हम कभी जात का गर्व ना करें और मूर्ख ना बने। इस जात के भेदभाव को मिटाने के लिए तीसरी पातशाही तान्न गुरु अमरदास साहब जी ने लंगर की प्रथा चलाई थी, ताकि सारे संसार के लोग लंगर में आकर पंगत में एक साथ बैठें। पंगत में जैसे हम देखते हैं संगत कुछ ऊंचे खानदान की होती है, कुछ नीचे खानदान की होती है, भले ही वो कोई भी जात की हो, भले ही वो अमीर हो या गरीब हो, सभी संगत के रूप में एक समान बैठकर भोजन छकते हैं, लंगर छकते हैं। गुरु अमरदास साहब जी ने ऐसी प्रथा चलाई जिससे कि भेदभाव मिट सके, ऊंच नीच का भेदभाव हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। गुरु अमरदास साहब जी ने ऐसी प्रथा चलाई थी। गुरु साहब जी कहते थे पहले पंगत पाछो संगत, यानी कि पहले पंगत में बैठकर भोजन छकें, लंगर छकें, उपरांत आकर गुरु साहब जी के दर्शन करें और भक्ति में जुड़ें। जिस प्रकार सोरठ राग में भगत कबीर जी भी फरमाते हैं, भूखे पगत ना कीजै,
यह माला अपनी लीजे, हो मांगो संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। माधव कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो तो लेवो मंगे। कबीर जी भी यही फरमाते हैं कि भूखे भक्ति नहीं होती। अगर हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हो, अगर हमें भूख लग रही हो और यदि हम पाठ करने बैठ जाएं, माला लेकर सिमरन करने लगे, तो क्या हमारा मन सिमरन में जुड़ेगा? प्रभु की भक्ति में क्या हम जुड़ पाएंगे? नहीं, ये संभव नहीं है। इसी कारणवश गुरु अमरदास साहब जी ने ऐसी प्रथा चलाई थी हमें समझाने के लिए, हमें उपदेश देने के लिए कि हे मनुख, भूखे भक्ति नहीं होती। पहले लंगर छक लो, अपना पेट भर लो, फिर भक्ति कर लेना। इसी प्रथा अनुसार आज भी गोविंदवाल साहब में हम देखते हैं कि संगत जो माथा टेकने आते हैं, गुरु के दर्शनों के लिए आते हैं, अपना जीवन सफला करते हैं, वे सभी पहले पंगत में बैठकर एक समान लंगर छकते हैं, उपरांत जाकर गुरु घर में गुरु के दर्शन करते हैं। इसी प्रकार एक प्रथा चलती आ रही है हिंदुस्तान में, जैसे कि औरतें घूंघट लेती हैं। ये प्रथा हिंदुस्तान में आज भी बहुत जगहों पर देखने को मिलती है, खासकर राजस्थान में हम देखते हैं कि औरतें आज भी घूंघट में रहती हैं। परंतु तीसरी पातशाही गुरु अमरदास साहब जी ने ये प्रथा को बंद करने के लिए एक ऐसी प्रथा चलाई। उन्होंने उपदेश दिया कि जो भी कन्या गुरु घर में आए वो कभी घूंघट ना ले। इसका मतलब ये था, गुरु साहब जी हमें ये समझाना चाहते थे कि जो मनुख भेदभाव करता है कि वो स्त्री है और मैं मर्द हूँ, स्त्री को छोटी नज़र से देखते थे पहले, जो कि आजकल बहुत कम हो चुका है। स्त्री को बहुत छोटा समझा जाता था, उन्हें घर से निकलने की आज्ञा नहीं थी, उन्हें हमेशा घूंघट में रहना पड़ता था। ये भेदभाव को मिटाने के लिए, स्त्रियों को ऊंचा दर्जा देने के लिए तीसरी पातशाही तान साहेब श्री गुरु अमरदास साहब जी ने समझाने के लिए हमें ये कहा था कि जो भी गुरु घर में आए वो कन्या घूंघट ना ले। इसी प्रकार एक साखी आती है सज्जन सच की, जो इस प्रकार है। हुआ यूं था कि सावनमल नाम का व्यक्ति था जो गुरु घर के साथ जुड़ा हुआ था, और कहते हैं वो गुरु के दर्शनों के लिए आता और उसने अपना जीवन निहाल कर लिया था सेवा बंदगी में जुड़कर। इसी प्रकार कहते हैं कि सावनमल अपने हरिपुर राज्य के राजा को लेकर गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में पधारा, और कहते हैं राजा हरिचंद गुरु के दर्शन करके निहाल हो गया। उसने गुरु घर की बहुत सेवा की, बंदगी में जुड़ा, और कहते हैं जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी ने
ये उपदेश दिया था कि कोई भी कन्या गुरु घर में आकर घूंघट ना करे। इसी प्रकार रानियों को भी दासियों को भी राजा ने कहलवा दिया था कि गुरु अमरदास साहब जी के कहे अनुसार हमें चलना है, और कोई भी कन्या कोई भी रानी घूंघट ना करें, गुरु घर में सच्ची श्रद्धा से आए, गुरु के साथ उसके चरणों में जुड़े, भक्ति करे और अपना जीवन सफला करे। परंतु हुआ यूं था कि रानी के मन में विकार थे, उसका मन चंचल था, उसके मन में गुरु के प्रति वो श्रद्धा नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इसी प्रकार कहते हैं, गुरु अमरदास साहब जी का दीवान सजा था और हरिपुर राज्य की रानी वहाँ पर दीवान में पधारी, संगत में आकर गुरु घर में आकर उसने गुरु अमरदास साहब जी के चरणों में माथा टेका। परंतु ये क्या, रानी तो घूंघट लेकर आ गई। गुरु साहब जी ने रानी को देखा और कहा, ये कमली कौन है जो गुरु घर में घूंघट लेकर आई है? गुरु साहब जी के वचन उसी वक्त पूरे हुए, रानी उसी वक्त कमली हो गई, पागल हो गई, और उसने अपने कपड़े फाड़ लिए, अपने वस्त्र को उतारकर वो इसी प्रकार वहाँ से दौड़ गई और दौड़कर जंगलों की तरफ चली गई। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो पागल हो चुकी थी, किसी के हाथ ना आई और जंगलों में चली गई। इसी प्रकार कहते हैं, राजा हरिचंद ने गुरु साहब जी के चरणों में रानी के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि वो मूर्ख है, मनमानी करती है, और रानी होने के नाते उसे थोड़ा घमंड हो गया था, उसने गुरु के उपदेश को ना माना और ऐसे ही घूंघट लेकर गुरु घर में आ गई। गुरु साहब जी ने राजा हरिचंद को कई बख्शीशें की, उसका उद्धार किया, उसकी कुलों को ताज दिया। इसी प्रकार राजा हरिचंद ने गुरु साहब जी के बहाने को मानकर वो अपने राज्य हरिपुर में लौट गया। कुछ समय बीतने पर वहाँ पर कहते हैं, कुछ ऐसा हुआ कि गोविंदवाल साहब में एक मनुख रहा करता था जो कि सिक्खी को बहुत मानता था और गुरु घर में आकर कथा कीर्तन सुनता, गुरु के दर्शन करता, सेवा बंदगी में जुड़ता और निहाल हो जाता। और कहते हैं, जब भी गुरु घर में गुरु अमरदास साहब जी कथा करते, विचार करते, संगतों को संबोधित करते, तो वो जो सिख था वो हमेशा कहता, सच है, सच है, गुरु की वाणी सच है, गुरु के वचन सच है, सच्चन सच है। वो गुरु के हर शब्दों को, हर बोल को सच कहता, सच्चन सच कहता। इसी प्रकार कहते हैं, उस सिख का नाम सच्चन सच ही पड़ गया। सभी संगत उसे, सभी लोग उसे सच्चन सच कहकर पुकारते, सच्चन सच कहकर ही उसे संबोधित करते। इसी प्रकार समय बीतने पर
एक बार ऐसा हुआ कि जिस प्रकार वो जो सचिन सच था वो गुरु घर में बालन लेकर आता था, जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और गुरु घर में आकर बालन के लिए, लंगरों के लिए लकड़ियाँ देता। इसी प्रकार की वो सेवा किया करता था। उसका जो मन था बहुत ही निर्मल था, बहुत ही शुद्ध था। वो वाणी में जुड़ता, सेवा बंदगी करता और गुरु से बहुत ही प्रेम किया करता था। एक बार कहते हैं कि जो सचिन सच था, सिख था, वो जंगलों में लकड़ियाँ काटने गया और उसके साथ हुआ यूँ कि जब वो लकड़ी काट रहा था उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हक्का बक्का रह गया। उस पर एक बला ने, एक औरत ने जो चुड़ैल के समान थी, उस औरत ने उस पर हमला कर दिया और कहते हैं उसने अपने नाखूनों से सचिन सच के शरीर को नोच डाला, काट डाला और यहाँ तक कि अपने दांतों से उसके शरीर को बहुत चोट पहुँचाई, उसे खून निकलने लगा। वो बहुत ही घबरा गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। वो जैसे तैसे सचिन सच ने उस औरत को धक्का मारा और अपनी जान छुड़ाई और लकड़ियाँ उठाकर गुरु घर में पहुँचा। जंगल से निकलते हुए वो बार बार पीछे देख रहा था कि कहीं वो औरत उसका पीछा तो नहीं कर रही, क्योंकि हर व्यक्ति को हम देखते हैं कि उसे अपनी जान से प्यार होता है। सचिन सच डर गया था कि कहीं वो औरत उसे मार ना डाले, क्योंकि उसका रूप बहुत ही भयानक था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके दांत खून से भरे हुए थे और उसके नाखून बहुत ही बड़े थे। सचिन सच डर गया था। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता और लकड़ियों को उठाकर वो गुरु घर की ओर दौड़ रहा था। धन है सचिन सच की कमाई, भले ही उस औरत ने उस पर हमला किया था जो कि बहुत ही खूंखार थी, परंतु उसने जो गुरु घर की बालन की लकड़ियाँ थी उसे वहाँ छोड़ी नहीं, उसे उठाकर ले गया था ताकि गुरु घर के लंगरों में कोई कमी ना आए, कोई तोड़ ना पड़े, गुरु का लंगर चलता रहे। इतनी ऊंची गुरु घर के प्रति सचिन सच सिख की श्रद्धा थी। इसी प्रकार जब सचिन सच गुरु घर में पहुंचा तो संगतों ने उसे पूछा, भाई क्या हुआ? वो देखकर हैरान हो गए कि सचिन सच के कपड़े तो फट गए हैं, उसका बुरा हाल हो चुका है, उसके शरीर में से खून बह रहा है, उसके शरीर पर नाखूनों के निशान हैं, यहाँ तक कि काटने के निशान भी हैं। संगतों ने पूछा कि भाई क्या हुआ? इसी प्रकार गुरु साहिब जी के चरणों में वो पहुँचा। गुरु साहिब जी तो आप जानी जान हैं, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। गुरु साहिब जी तो सब कुछ जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे जीवन में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। वो सभी कुछ जानते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल हमारा सभी कुछ जानते हैं वे। परंतु फिर भी गुरु साहिब जी ने संगतों को समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए सज्जन सच से उसके बारे में पूछा कि हुआ क्या था। सज्जन सच ने संगतों के सामने सभी कुछ बता दिया कि किस प्रकार उस औरत ने उस पर हमला किया। गुरु साहिब जी को सज्जन सच ने कहा कि एक बला थी जिसने मुझ पर हमला किया।
इस पर गुरु साहब जी ने कहा कि भाई वो बला नहीं थी, वो तो हरिपुर राज्य की राजा हरिचंद की रानी थी, जो कि गुरु के वचनों के अनुसार कमली हो गई थी और वही आज जंगलों में भटक रही है। तो गुरु साहब जी ने सज्जन सच को समझाया कि हे भाई, तुम डरो मत, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये लो मेरी खड़ाऊ। गुरु अमरदास साहब जी ने सच्चन सच को अपनी खड़ाऊ दे दी और कहा, जाओ उसी जंगल में जाओ, और जंगल में जाकर जब वो कन्या, जब वो रानी तुम पर हमला करे तो जाकर उसके सर पर ये खड़ाव मार देना। पहले तो सच्चन सच बहुत घबराया, क्योंकि हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, परंतु गुरु के वचनों को उसने निभाने के लिए सत वचन कहा, जो कि वो हमेशा ही सच्चन सच कहता रहता था। तो इसी प्रकार सच्चन सच जंगलों में गया और जाकर लकड़ियाँ उसने काटी, और जैसे ही रानी की आवाज़ उसे सुनाई दी, उसने जल्द से पीछे मुड़कर रानी के सर पर वो खड़ाऊ मार दी। धन साहिब श्री गुरु अमरदास साहब जी की खड़ाऊ जिस पर पड़ी आए, उसके तो लेख ही बदल जाते हैं। इसी प्रकार रानी उसी वक्त ठीक हो गई। उसी प्रकार जब उसने अपने शरीर को देखा तो वो नग्न अवस्था में थी, वो थोड़ी सिमटी। सच्चन सच ने जो अपने तन पर ओढ़ा हुआ कंबल था, सच्चन सच ने अपना कंबल उस रानी को ओढ़ा दिया। रानी ने अपना तन ढका और गुरु घर में गुरु के दर्शनों के लिए आई। गुरु अमरदास साहब जी के जब रानी ने दर्शन किए, माथा टेका, तो रानी का जीवन मरण सफला हो गया, उसके सारे दुख कट गए, यहाँ तक कि उसका जीवन मरण कट गया, संसार में आना उसका सफल हो गया। गुरु अमरदास साहब जी ने रानी को वचन किए कि हे रानी, आज से तू सच्चन सच के साथ रहेगी। और इसी प्रकार सच्चन सच ने रानी के साथ विवाह किया और वे दोनों बहुत ही खुशहाल जीवन उन्होंने जिया। इसी प्रकार उन दोनों ने शादी कर एक खुशहाल जीवन जिया। इसी प्रकार कहते हैं कि हमें गुरु के वचनों को कभी मोड़ना नहीं है। गुरु अर्जन देव जी भैरव राग में जिस प्रकार फरमाते हैं, लाज मरै जो नाम ना लेवे, नाम बिहून सुखी क्यों सोवे, हर सिमरन छार परमगत चाहे, मूल बिना साखाकत आहे, गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, तू लाज से मर क्यों नहीं जाता, तू सुखी से जी कैसे रहा है। हम देखते हैं संसार में व्यक्ति अच्छा पहन रहा है, अच्छा खा रहा है, परंतु जो वो इस संसार में करने आया है, भक्ति करने आया है, प्रभु के साथ जुड़ने आया है, वो तो कर नहीं रहा। तो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हे मनुख, तू लज्जा से मर क्यों नहीं जाता, क्या तुझे लाज नहीं आती,
क्या तुझे शर्म नहीं आती? जो तू बिना नाम जपे बिना भक्ति के जी रहा है, वो कन्या जिसकी हम बात कर रहे थे रानी, वो लाज से जी रही थी घूंघट करके। आज भी हम संसार में देखते हैं कन्याएं घूंघट करती हैं ताकि वो लाज में रहे, मर्दों से लाज में जी कर रहे। परंतु जिससे हमें लाज करना है वो तो हम कर नहीं रहे। हमें लाज करना था भक्ति करके, प्रभु के साथ जुड़कर, ताकि हमारा उद्धार हो सके। गुरु साहिब जी कहते हैं कि हे मनुख, तुझे लाज नहीं आ रही जो तू बिना नित्यनेम किए बिना सिमरन किए बिना गुरु के दर्शनों के भोजन छकता है, तुझे लाज नहीं आती। परंतु आज हम संसार में देखते हैं कन्याएं घूंघट रखती है। तो गुरु अमरदास साहिब जी ने इस प्रथा को बंद करने के लिए गुरु घर में ये उपदेश दिया था कि कोई भी कन्या घूंघट करके ना आए, और जो भी गुरु घर में आए पहले लंगर छके पंगत में बैठकर, ताकि जात पात का जो भिन्न भेद था, जो भेदभाव था, गुरु अमरदास साहिब जी ने उसे मिटा दिया था। धन्य है गुरु अमरदास साहिब जी जिन्होंने संसार को तारने के लिए मनुखों को उपदेश दिया, ताकि हम एक सही राह पर चल सकें और अपना जीवन सफल कर सकें। गुरु अमरदास साहिब जी के 16 राग में एक वाणी आती है जिसमें गुरु अमरदास साहिब जी फरमाते हैं, माया ममता मोहनी जिन विन दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उभरे जिनी सच नाम चित लाया, बिन नावे जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया, तंदा करतया नेहफल जन्म गवाया, सुख दाता मन ना वसाया, नानक नाम तिना को मिलया जिन को तुरलिख पाया। गुरु अमरदास साहब जी कहते हैं कि हे मनुख, ये जो माया के पीछे जो दौड़ रहा है, इसने तो इस सारे संसार को बिना दांतों के ही खा लिया है। परंतु जो मनुख गुरमुख होते हैं वो तर जाते हैं, जो गुरु के साथ जुड़ते हैं उनका उद्धार हो जाता है, और जो मनमुख होते हैं वो संसार में आते जाते रहते हैं। बिन नावे जग कमला फिरे, बिना नाम के ये जो सारा जग है वो कमलों की तरह फिर रहा है। जो गुरु के वचनों को नहीं मानता, जिस प्रकार रानी ने गुरु के वचन नहीं माने, वो घूंघट करके आई, वो कमली बनकर जंगलों में भटकती रही। परंतु जब गुरु ने उसका उद्धार किया तो उसका जीवन मरण कट गया। तो इसी प्रकार हम गुरु के साथ जुड़ें और कमले बनकर जीवन व्यतीत ना करें, बल्कि गुरुमुख बनकर गुरु के साथ जुड़कर अपना उद्धार करें। क्योंकि इंसान संसार में एक कमलों की तरह ही तो जी रहा है, सुबह उठकर भागता फिरता है, नाम बांधी के साथ नहीं जुड़ता, प्रभु की भक्ति नहीं करता, धंधा कर अपने जीवन को नेफल गवा रहा है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि जिस मनुख को नाम मिल गया, प्रभु की बंदगी मिल गई, प्रभु की सेवा मिल गई, जो मनुख गुरु के साथ जुड़ गया उसका ही उद्धार हो गया, उसका ही जीवन में आना सफला हो गया। गुरु साहिब जी हमें यही उपदेश देते हैं कि हम गुरु के वचनों को माने। गुरु साहिब जी ने जो हमें उपदेश दिया है उस उपदेश पर हम चलें और अपना जीवन सफला करें। अवर उपदेश आप ना करें,
आवत जावत जन्मै मरै। गुरु साहिब जी मुझ पर भी कृपा करें कि गुरु साहिब जी के वचनों को मैं भी कमा सकूं, साथ संगत आशीष बख्शो कि मैं भी गुरु के वचनों पर पूरा उतर सकूं, गुरु साहिब जी ने जो उपदेश दिया है उस पर अमल कर सकूं, उस पर चल सकूं और अपना जीवन सफल कर सकूं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं, साथ संगत बख्शन योग हो, भूला बख्शो, माफ़ी बख्शो और आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंग जाए, मुझे कभी 84 लाख जूनियर ना भोगनी पड़े, साथ संगत इतनी आशीष बख्शना, फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।